हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे अमीर बॉलीवुड सिंगर्स के बारे में और आपको बताएंगे कि आपके फेवरेट सिंगर्स एक सॉन्ग फिल्म में रिकॉर्ड करने के लिए कितनी फीस लेते हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं रैंक नंबर वन से। तो रैंक नंबर वन पर आती है द मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल फिल्म में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए लेती है 30 लाख। श्रेया की नेटवर्थ है 180 करोड़। तो अब दूसरे नंबर पर आते हैं, रैंक टू पर है आपके अपने हनी सिंह। हनी सिंह अपने पेपी नंबर्स के लिए बॉलीवुड में जाने जाते हैं। यो हनी सिंह एक सॉन्ग के लिए लेते हैं 30 लाख और इस अकॉर्डिंग हनी सिंह की नेटवर्थ बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 175 करोड़। तो थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे मिक्का सिंह, वही मिक्का सिंह जो कहते हैं सावन में लग गई आग। जी हाँ, अपनी अलग सी टोन की वजह से मिक्का को हमेशा आइटम नंबर्स जैसे गाने ज़्यादा गाने को मिलते हैं और यही रीज़न है कि उनकी डिमांड फिल्म में ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से उनका रेट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मिक्का सिंह एक गाने के लिए लेते हैं 25 लाख और उनकी नेटवर्थ बन जाती है 95 करोड़। उसके बाद हम सबके फेवरेट, सबके चहीते नंबर 4 पर हैं अरिजीत सिंह। अब सब आप बोलेंगे कि अरिजीत के गाने तो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो फिर वो गाना गाने के लिए फोर्थ नंबर पर क्यों रैंक्ड हैं, कि वो फोर्थ नंबर पर क्यों आते हैं जब फीस की बारी आती है। तो आपको बता दूँ कि अरिजीत सिंह एक गाना गाने के लिए लेते हैं 20 लाख और अरिजीत की नेटवर्थ बनती है 50 to 55 करोड़। उसके बाद नंबर 5th पर आते हैं बादशाह। बादशाह की बात करें तो बादशाह भी हनी सिंह के ट्रैक पर ही चलते हैं, यानी कि वो हनी सिंह की तरह ही बॉलीवुड में पेपी नंबर्स देते हैं, तो इस वजह से उनकी भी डिमांड जो है वो हाई रहती है। तो बादशाह एक गाने के लिए लेते हैं 18 लाख और बादशाह की नेटवर्थ बनती है 42 करोड़। उसके बाद हमारे पास आती हैं वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान आती हैं नंबर 6 रैंक पे। सुनिधि चौहान एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए लेती हैं 16 लाख और सुनिधि चौहान की नेटवर्थ है 66 करोड़। अब 7th रैंक की बात करें तो 7th रैंक पर आते हैं सोनू निगम। सोनू निगम भी सुनिधि चौहान की तरह ही एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए लेते हैं 16 लाख और सोनू निगम की नेटवर्थ है 62 करोड़। अब 8th रैंक की बात करें तो 8th रैंक में आते हैं मोहित चौहान। जी हाँ, वही मोहित चौहान जिनका गाना माए नी मेरी बहुत ज़्यादा हिट रहा। मोहित चौहान एक गाने के लिए लेते हैं 12 लाख और मोहित चौहान की नेटवर्थ है 56 करोड़। 9th रैंक पर स्टैंड करती हैं हमारी सेल्फी क्वीन हमें। जी हाँ, नेहा कक्कर। नेहा कक्कर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सिंगर है बॉलीवुड की और जिसके पास ज़्यादा काम रहता है तो वो अक्सर अपनी फीस थोड़ी कम ही रखता है। तो नेहा कक्कर एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए लेती हैं 12 लाख और इस अकॉर्डिंग नेहा कक्कर की नेटवर्थ है 40 करोड़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10th पर आती हैं नीति मोहन। नीति मोहन एक गाने को रिकॉर्ड करने के लिए लेती हैं 9 लाख तो उस अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ है 18 करोड़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपने फेवरेट सिंगर्स की बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।